नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समस्तीपुर डिवीज़न में सभी जो ICF कोच है उसको बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसको लेकर जो ICF कोच है उसकी गिनती भी शुरू कर दी गई है। समस्तीपुर डिवीज़न के सहरसा जंक्शन सहित देश के अलग अलग देश भर में जो अलग अलग स्टेशनों पर जो ICF कोच है उसको 2 दिवसीय गणना शुरू कर दी गई है। मुख्यालय से सोमवार तक पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है। सहरसा के यातायात निरीक्षक किशोर कुमार गुप्ता की मॉनिटरिंग में ICF कोच की गिनती जो है वो शुरू की गई। बता दें कि परिचालन व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए अब रेलवे हर ट्रेन को ICF कोच के बदले LHB में बदलने की तैयारी में जुट गया है और गिनती इसलिए शुरू की गई है कि ये पता चले कि डिवीज़न में ICF कोच कितने हैं और कोच की स्थिति क्या है। वहीं रिपोर्ट में ये भी उजागर करने को कहा है कि ICF कोच का नंबर भी उस पर दर्शाया जाए ताकि ये मालूम हो सके कि कोच की लाइफ लाइन जो है वो कितनी बची हुई है और इसमें डैमेज कोच की स्थिति कितनी है, कितनी संख्या है और डैमेज कोच को रेलवे द्वारा हटाकर अब ट्रेनों को LHB कोच में तब्दील किया जाएगा ताकि रेल यातायात को और भी बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दूँ, LHB कोच और ICF कोच में अंतर ये होता है कि जो ICF कोच है उसमें दुर्घटना की संभावना ज़्यादा रहती है, वहीं LHB कोच की अगर बात करें तो LHB कोच में दुर्घटना की संभावना बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। क्योंकि जब ट्रेन दुर्घटना होती है तो जो ICF कोच है वो एक के ऊपर एक जो है वो चढ़ जाता है, लेकिन अगर बात करें LHB कोच की तो LHB कोच में दुर्घटना की संभावनाएँ बहुत ही कम होती है। अगर दुर्घटनाएँ होती भी है तो ये एक के ऊपर एक न चढ़ के दोनों तरफ डीरेल हो जाती है जिससे नुकसान की संभावना जो है वो बहुत ही कम रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार जो है वो जल्दी से जल्दी LHB कोच जो है वो लगाने की तैयारी में जुट गया है। तो दोस्तों, इस अपडेट में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।